हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल जस्ट फॉर दिस साइड। और हम लोग ने एक ट्रिप प्लान की है जिसके लिए हमें पुणे जाना है, एंड पुणे से उसके फ्लाइट से हमें जाना है वो प्लेस आपको जल्दी पता लगेगा। और यहाँ पर हम लोग ने ट्रैवल्स किया था पुणे जाने के लिए, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं ट्रैवल से ट्रैवल कर रही हूँ बस में। प्रीत, हाउ एक्साइटेड यू आर? हम लोग यहाँ पर रुके थे कुछ खाने के लिए, मतलब प्रीत रुके थे यहाँ पर कुछ खाने के लिए। मैं सिर्फ ये चाय पीऊँगी क्योंकि मुझे वॉमिटिंग आती है, मोशन सिकनेस है इसीलिए। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं पुणे, और प्रीत के फ्रेंड आए थे रिसीव करने, हम उनके ही घर स्टे किए और अभी हम जा रहे हैं घर पे। और ये दोनों की बातें चालू हो गई है। जैसे कि ईयर खत्म हुआ, दो दिन थे अच्छे से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो मैं पहुंच चुकी हूँ पुणे में और हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिए, रेडी हो गए और अब हम लोग जाएंगे बाहर घूमने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम पुणे में कहाँ कहाँ घूमे और क्या क्या किए। तो ये है एक ब्यूटीफुल सी बालकनी और यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं और यहाँ से व्यू भी बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। सामने का स्कूल है और बहुत ही नो इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी यहाँ से, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर दो कबूतर भी बैठे हैं, मैं जूम करती हूँ अभी। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी यहाँ से। तो हम लोग यहाँ निकल चुके हैं, कहीं कोई तो प्लेस है, कोई तो घाटी है, वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग। अभी उतना मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी घाटी है वो, क्योंकि पुणे में इतना ज़्यादा नहीं घूमी हूँ। और ये है एक टनल जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आई टनल से जाते हुए। और ऐसे हमें दो टनल मिले थे और वो दोनों, वो मतलब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है टनल के अंदर से जाने का, तो ये भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर जाम मिल रहे थे और हम लोग अमरूद भी बोलते हैं, तो हम लोग ने भी लिया था और काफ़ी बड़े जाम थे और टोल था वहाँ पर, तो इसलिए रुके थे। और वापस से हम लोग यहाँ पर, और एक कोई तो नदी थी, मुझे नाम नहीं पता ये नदी का, लेकिन रास्ता काफ़ी अच्छा था। और ये और एक टनल आ रहा है सामने से। पुणे बहुत काफ़ी अच्छी लगी है मुझे सिटी। मैं सिर्फ एक बार गई थी पुणे पहले, उतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर किया है पुणे। ये प्लेस इतनी अच्छी थी। और यहाँ पर नो बहुत सारे नर्सरी प्लांट्स थे, बहुत सारे, और मुझे फ्लावर से इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ऑब्सेस्ड हूँ मैं फ्लावर से, और इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो हम लोग यहाँ पर, इतने सारे स्ट्रॉबेरीज थे, बट स्टिल आई वॉज सो स्टूपिड कि मुझे पता नहीं लगा कि हम लोग महाबलेश्वर में पहुँच चुके हैं। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। बेसिकली ये सारा कुछ प्रीत एंड फ्रेंड्स का प्लान था, मुझे महाबलेश्वर में लाके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का, और मुझे नहीं पता था ये सारा कुछ। और यहाँ पर हम लोग मैप्रो गार्डन पहुँच चुके हैं, और इतने में प्रीत और प्रीत का एक फ्रेंड गायब हो गए थे। हमें अंदर मैं अंदर चली गई थी, और अंदर मैं मतलब देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सारा कुछ। ये बेसिकली एक गार्डन है महाबलेश्वर पंचगनी में, और यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे। और ये एक फैक्ट्री थी, आइसक्रीम फैक्ट्री, मैं दिखाऊंगी वो आप लोग को आगे। और जस्ट वेट कर रहे थे प्रीत का आने का, और यहाँ पर फोटोज क्लिक करवा रहे थे। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था यहाँ का, और जस्ट वेट कर रहे थे कि ये लोग कब आएंगे। गार्डन काफ़ी बड़ा है और सामने है प्रीत, हाथ में कुछ बॉक्स है। ये छोटी सी मिनी यहाँ पर बहुत अच्छे से
रेस्ट कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा था देख के इसे। बिलीव मी गाइस, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि अब क्या होने वाला है। मैं इतनी सरप्राइज्ड, ये मेरा बेस्ट सरप्राइज था। मतलब मुझे इससे बेटर सरप्राइज मुझे आज तक मेरी लाइफ में नहीं मिला है, और मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि लाइक क्या होने वाला है। सो देखो फोटोज ले ले, लगा दे मेरे हाथ में बैटर, भाई इसको पहले लगाने तो बाद में ले, नहीं वो तो जा रहे हैं तब की तब वीडियो ले लेते ना। क्या ठीक है सुजा, कागज Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Dolly, happy birthday to you. Thank you. सुनो तो पहले ना जरा कट किए क्या? हाँ। ऑर्डर नंबर 9000 ये सुजा साइड से बटन ना क्लिक हो, फोटो क्लिक होता है। हाँ, फोटो क्लिक होता है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, लाइक उसके मैप्रो के जो सामने ही था ये बगीचा, ये है स्ट्रॉबेरी का फार्म। यहाँ पर नो स्ट्रॉबेरीज लगते हैं, और ये आंटी हार्वेस्ट कर रहे थे आई बिलीव स्ट्रॉबेरी, क्योंकि बाहर मैप्रो के बाहर बहुत बहुत सारे स्ट्रॉबेरी के स्टॉल्स थे। मैं दिखाऊंगी जाते वक्त, मैं भी आते वक्त भी देखे ही होंगे आप लोग ने। और यहाँ पर है आइसक्रीम मेकिंग, ये यहाँ पर फ्रेश आइसक्रीम निकालते हैं, ये आप लोग देख सकते हो। इसका जो प्रोसेस था वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब इसके बाद हम लोग ऐसे थोड़ा घूम रहे थे, मुझे देखना था कि ये पूरा मैप्रो गार्डन कैसा है, तो मैं सब सारा कुछ देख रही थी घूमते घूमते कि क्या क्या है। और यहाँ पर आगे इतनी ये रही फिश, यहाँ पर फोटोज के लिए भी इतने अच्छे अच्छे नो स्टैचूज वगैरह है यहाँ पर, जिसके साथ हम लोग फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और ये मैं भाग रही थी आगे, प्रीत मेरे पीछे पीछे आ रहे थे मोबाइल लेके। यू वेलकम डॉलू। यहाँ पर एक क्यूट सा डॉगी था पग, ये रहा। मुझे डर लग रहा था पास जाने में, इसलिए बस मैंने दूर से देख के निकल गई वहाँ से। जैसे आप लोग ने अभी देखा, प्रीत ने मुझे सरप्राइज दिए थे, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू वंस अगेन प्रीत। मैप्रो में एक छोटा सा लेक भी है जिसमें लोटस फ्लावर है, बहुत सारे फ्लावर्स थे इसमें, और मन तो कर रहा था एक ले लूँ पर नहीं तोड़ा मैंने। देखो ये पूरी लाइन है, मतलब सर्कल था शायद से वो पूरा, और बहुत सारे फ्लावर्स थे उसमें, और छोटी छोटी कलियाँ भी बहुत सारी थी। देख के बहुत बहुत खुशी हो रही थी मन को। ये प्लेस बहुत अमेजिंग है, इतने सारे सरप्राइजेस हैं यहाँ पे। मैंने कभी सोची नहीं थी कि ये प्लेस इतनी अच्छी होगी। यहाँ पर जैसे वाटरफॉल या जैसा कुछ है, मैं दिखाती हूँ आपको। लुक एट दिस गाइस, यहाँ पर फिश भी है बहुत सारे। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, वैसे खाने के लिए भी मतलब स्नैक्स वगैरह था जैसे सैंडविच वो सब, लेकिन हमको एक प्रॉपर मील चाहिए, इसलिए हम अभी बाहर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। और यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये है चॉकलेट पान, ये
कलर मत मुझे काय पड़ गया चॉकलेट रिव्यू। तो अभी मैंने जो ये खाया है चॉकलेट, ये है चॉकलेट पान, काफ़ी रिफ्रेशिंग था, काफ़ी टेस्ट भी बहुत अच्छा था, प्रॉपर पान का टेस्ट आ रहा था और चॉकलेट भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने ऑलरेडी मेरे कार्ट में मैंने रख दिया था चॉकलेट पान, क्योंकि ये फ्लेवर मेरे को थोड़ा सा अलग लगा, अच्छा लगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी रख लिया था। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस थे, अलग अलग तरह के थे, चॉकलेट विद आलमंड भी था, वो कॉमन है, वो बाहर भी मुझे मिल जाता, इसलिए मैंने नहीं लेना सोची थी, लेकिन एट द एंड मैंने वो भी ले लिया था। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग नो चॉकलेट स्प्रेड थे और स्ट्रॉबेरी के मॉकटेल कॉकटेल, ये सारा जो भी रहता है ना, सारा कुछ अवेलेबल था। हम लोग ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते मॉकटेल कॉकटेल ये सारा कुछ, तो इसलिए ये मैंने पूरा स्किप ही कर दी, मैंने ये तरफ देखा भी नहीं कि क्या क्या अवेलेबल है। सिरप्स भी थे लेकिन सिरप भी, मतलब आर्टिफिशियल सिरप उतना नहीं पसंद है, हम लोग उतना कंज्यूम भी नहीं करते आर्टिफिशियल सिरप, इसलिए मैंने वो भी एक स्किप की यहाँ पर। और जेलीज भी थे, तो जेलीज मुझे ट्राई करना था कि कैसा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो ट्रायल का जो एक था, मैं वहाँ खड़ी हो गई थी लेने के लिए, देखने के लिए कि कैसा है। इन्होंने मुझे खाकरा दिया था, तो ये खाकरे का थोड़ा सा मतलब टूटा हुआ था, तो उतना पसंद नहीं आया मुझे। वैसे ही खाकरा कहीं पर भी मिल जाता है, तो उतना कुछ स्पेशल नहीं था, इसलिए मैंने खाकरा भी नहीं लिया है। तो बहुत सारे फ्लेवर्स थे, मैं वही देख रही थी, कुछ अलग फ्लेवर रहा तो ले सकते, तो मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए हम लोग आगे बढ़े। फिर आगे जाने पर यहाँ पर था जेली, तो यहाँ पर मैं जेली को रही थी, तो यहाँ पर दिखने में तो जेली बहुत अच्छी थी, तो खाने के बाद प्रॉपर जेली का टेस्ट आ रहा था, अच्छा भी था, लेकिन इससे भी बेटर चीज़ें थे, इसलिए मैंने वो नहीं ली। और यहाँ पर मैंने जो चीज़ें ली, टोटल सेवन चॉकलेट्स के पैकेट्स मैंने लिए थे अलग अलग, एक दो मैंने पान के लिए थे, एक मैंने बादाम का लिया था, और दो मैंने वाइट चॉकलेट लिए थे दो, और एक ब्लूबेरी का चॉकलेट लिया था, तो वही मैं अभी बिलिंग करवा रही थी यहाँ पे। बिलिंग करवाने के बाद मेरे पास बैग था ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने कार्ड ले लिया, से कैरी बैग मिल दिया। यहाँ पर चाय के भी बहुत सारे फ्लेवर्स थे, चाय मसाला पाउडर जो रहता है, सिनेमन का था और एक स्पाइस का था, स्पाइसेस के थे, बहुत सारे अवेलेबल थे यहाँ पर, जिंजर बहुत सारे थे। और ज़्यादातर चाय मसाला हम लोग चाय ही नहीं पीते उतना ज़्यादा, और घर के लिए भी इतनी नीट नहीं थी, इसलिए हम लोग ने वो भी नहीं लिए और जा रहे थे आगे, ऑलमोस्ट बाहर ही निकल रहे थे हम लोग लंच करने के लिए। और यहाँ पर है ब्रेड फैक्ट्री, यहाँ पर प्योर ब्रेड, मतलब यहीं पर बनाते हैं ये लोग ब्रेड, और यहाँ पर बेकरी लिखा हुआ है ऊपर, इधर साइड में एक विशिंग वेल भी है, आ जाओ देखते हैं। ये जैसे मैं विशिंग वेल के पास जा रही थी, मुझे बहुत बड़ी सी गिलहरी दिखी, यूजुअली इतनी बड़ी गिलहरी नहीं दिखती है, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर इतनी बड़ी गिलहरी थी ये, और यहाँ पर कहीं पर बोर्ड पे भी मेंशन था इसके बारे में। हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है जो जो हम लोग खाते हैं, अभी यहाँ से थोड़ा बाहर निकल के कुछ खा लेंगे, और बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज है, तो मैं सोच रही हूँ मिल्क शेक पीना। आज संडे इसलिए काफ़ी रश है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। मैप्रो गार्डन का एंट्रेंस यहाँ से था, कुछ ऐसा था,
मैंने एंट्रेंस का वीडियो नहीं ली थी, इसलिए जाते वक्त वीडियो ले रही हूँ मैप्रो गार्डन का एंट्रेंस की। और आज जैसे आज संडे था तो बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पर। और ये डेकोरेशन किए हुए थे मे बी क्रिसमस का। यहाँ पर मैं ले रही हूँ गवावा का जेली, टेस्ट करना था मुझे क्योंकि गवावा के साथ मिर्ची और नमक का बहुत अच्छा लगता है, तो देखेंगे ये भी वैसे लगेगा। सो आई गॉट दिस, स्पाइसी था तो देखते हैं टेस्ट। स्पाइसी है ना, मिर्ची लगाए तो स्पाइसी तो होंगी। नहीं है, खट्टे है। चलो हो गया, चले। मैप्रो गार्डन के 3-4 किलोमीटर के बाद ये एक रेस्टोरेंट था, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, काफ़ी बड़ा था और यहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल थे, रिसॉर्ट काइंड ऑफ था ये। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्लांट्स थे तो मैं ये रिकॉर्ड करने ये शूट कर रही थी मैं मीन टाइम। और यहाँ पर हमारा लंच आ चुका था और हम लोग ने ये सारा कुछ खाए। लंच के बाद काफ़ी शाम हो गई थी, 6-7 बज रहे थे और वहाँ से हम निकल चुके थे। और ये कुछ सीन है, घाटी से दिख रहा है लाइटिंग्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक हॉल्ट लिए थे, यहाँ पर हम लोग चाय पीने रुके थे, थोड़ा सा नो फ्रेश होने रुके थे। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग नो 3-4 घंटे लग गए हम लोग को घर पहुँचने में, 3-4 hours की जर्नी थी और बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी। ऑल थैंक्स टू प्रीत एंड हिज फ्रेंड्स फॉर मेकिंग दिस एफर्ट। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत रिलैक्सिंग फील हुआ था, बहुत अमेजिंग डे था मेरे लिए ये, बहुत अच्छा सरप्राइज था, द बेस्ट सरप्राइज मेरे लाइफ का। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस व्लॉग। मैंने तो बहुत इंजॉय किया, आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे थे। एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव already, and if you did I really appreciate it. Channel ko subscribe karna mat bhulna aur like and comment too. I'll see you guys in my next vlog. Bahut sare trips hone wale hai, so stay tuned for those vlogs.